प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके चरणों में आना वो सबसे बड़ा आशीष है प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है धन्य है व्यक्ति जो परमेश्वर के भवन में रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, जीवन का सुकून और आनंद परमेश्वर आपकी हुजूरी में है। और परमेश्वर हम आज आनंदित है कि यह अवसर हमें मिला कि हम आपके चरणों में आए, हम आपकी हुजूरी में आए। परमेश्वर इस अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी दुआ है प्यारे पिता आज के इस समय को आप आशीषित करिए। यीशु मसीह नाजरी के नाम से हमारी प्रार्थना है इस समय को आप आशीषित कीजिए प्रभु। ओ प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक ये समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच बनी रहे आपके वचन के अनुसार। परमेश्वर आज आप हमारे जीवनों में काम करिए, ये जगह को और हमारे जीवनों को आपके लिए हम खुला रखते हैं। पवित्र आत्मा यहाँ आप मंडराइए, यहाँ आप परमेश्वर काम करिए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपकी आत्मा का काम मोमेंट यहाँ होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक जीवन में कोई भी बाकी न रहे परमेश्वर, एक भी व्यक्ति बाकी न रहे। हमारी दुआ है परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने के लिए अनुग्रह दीजिए, आपकी आराधना करने के लिए अनुग्रह दीजिए, हमारे मुंह को खोल दीजिए प्रभु, हम आपको श्रेष्ठ आराधना दे पाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारी ये दुआ यीशु मसीह के नाम से, इस समय के विरुद्ध कार्यरत हर एक शैतान के कामों को यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम निष्फल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस समय का पूरा नियंत्रण अंकुश आप ले लीजिए यीशु मसीह के नाम से। हमारी दुआएं आप कबूल करें प्यारे पिता, आमीन आमीन। ऐ प्यारो एक गाना प्रभु की आराधना करते हुए गाए, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। हम जिस परमेश्वर के आगे झुके हैं प्यारो, वो आश्चर्य कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बोले आश्चर्य कामों को करने वाला प्रभु। आश्चर्य काम मतलब जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, आपने सोचा ना हो, आपने कल्पना ना की हो, वो भी प्रभु आपके लिए कर सकता है। हालेलुया, वो प्रभु को हम धन्यवाद देने यहाँ इकट्ठा मिले हैं जिसने मारा नाम की जगह पर कड़वे पानी को मधुर मीठा बना दिया था। वही प्रभु हमारे साथ है। हमारे जीवन कितने भी कड़वे क्यों ना हो गए, खराब क्यों ना हो गए, उसे मधुर बना सकता है। हालेलुया, जब भी प्यारो हम कुछ कहते हैं तो आप विश्वास से रिसीव कर सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, आमीन कहकर या तो हाथ उठाकर, है ना। आपको स्वीकार करना नहीं करना आपके हाथों में, जब भी कहते विश्वास से ग्रहण करिए प्यारो, और ये शब्द आपके जीवन में बीज के समान हो जाएंगे। जो आपने बीज को स्वीकारा है वो कल जाकर फल लाएगा, आमीन। वो ही प्रभु है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको देख दुष्ट आत्माएं दूर से चिल्लाने लगे, तू हमें दुख देने क्यों आया है। जो दुष्ट आत्माओं ने आपको दुख दिया हो, वो आज परमेश्वर की उपस्थिति में दुख और दर्द पाने वाली। हालेलुया, कष्ट आज आप नहीं वो झेलेंगे जो आपको कष्ट देते आए, आमीन। क्योंकि वो हमारा खुदा है जो आश्चर्य कर्म करता है, वो खुदा है जो गरीबी को दूर करता है। वो बिचारी विधवा, वो अपना आखिरी भोजन खाकर बोल रही थी कि अब मैं और मेरा बेटा ये भोजन खाकर अब मर जाएंगे, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था, मान लो दोपहर का खाना खाया तो शाम का खा पाए, इतनी गरीब विधवा। हम में से कोई इतना गरीब नहीं है, लेकिन वो ही गरीब विधवा का जीवन जब परमेश्वर के दास को प्रभु वहां भेजता है, वो गरीबी को प्रभु दूर करके आशीषित करता है। और वहां प्रभु का वचन कहता है भरपूर इसे प्रभु ने दिया। हालेलुया, उसके पास जितने भी खाली बर्तन थे सब भर गए। हर एक खाली जो भी बर्तन है आपके वो प्रभु भरेंगे, हर एक खाली बैंक अकाउंट को प्रभु भरेंगे, हर एक बेकारी को प्रभु दूर करेंगे, आमेन। क्योंकि वो आश्चर्य कर्म करने वाले खुदावन है।
आए वो प्रभु को महिमा देते हुए गाना गाए, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। मुस्सा की प्रार्थना को सुना और ऐसी जगह जहां भोजन मिलने की कोई संभावना नहीं थी, वहां स्वर्ग से भोजन दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु है जिसने एलिया की प्रार्थना सुनी और वो करिंथ नामक नाले के पास जहां भोजन मिलना ही संभव नहीं था क्योंकि वो अकाल का समय था, प्रभु ने वहां पर भी उसे भोजन खिलाया। जहां कोई नहीं पहुंच पा सकता था वहां प्रभु ने कौओं को भेजा और प्रभु के दास की पूर्ति की। हालेलुया, आए विश्वास करें, मूसा का प्रभु एलिया का परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। आए प्रभु को महिमा देते हुए गाए, मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, प्रभु एलिया की प्रार्थना से, एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु, तू मेरा पोषक है। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से, मारा मधुर बन गया तेरे कहने से, दुष्टात्माएं भाग गई तेरे कहने से, गरीबी पूरी चली गई तेरे कहने से, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया।
तेरे कहने से मारा मधुर बन गया तेरे कहने से दुष्टात्माएं भाग गई तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई परमेश्वर प्यारो जिसने लाजरस को मृत्यु से जिला दिया प्यारो वो यीशु हमारे बीच है प्यारो आपकी मरी हुई परिस्थिति को वो बदल सकता है। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं जो प्रभु के लिए असंभव हो उसमें काम करना वो हर असंभव को संभव करने वाला खुदा है। हाथों को उठाए और कहे प्रभु लाजरस को जिलाने वाले खुदा मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन की हर मरी हुई परिस्थिति यीशु के नाम से जिंदा होने जा रही है। हालेलुया जिसमें आपने आशा छोड़ दी हो जिसमें आपको लग रहा हो इसमें कुछ नहीं होगा उसमें प्रभु बहुत कुछ करने जा रहे हैं। आमीन क्योंकि वो लाजरस को जिलाने वाला खुदा आज भी वैसे का वैसा है वो बदला नहीं है। आमीन लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने सब कुछ संभव तेरे लिए काना विवाह जो तन जान वाला था तेरे कार्यों से बदला उसे एक और बार गाए लाजर को लाजर को मृत्यु से उठाया संभव है यीशु कुछ संभव तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं तुझसे काना विवाह जो तम जाने वाला था तेरे कार्यों से बदला उसे तेरे कार्यों से तेरे कार्यों से हाथों को उठाकर गाए तेरे कार्यों से तू बोल प्रभु तू कह प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूँ तू बोल प्रभु तू कह प्रभु मैं तेरे लिए बोल प्रभु तू कह प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूँ तू बोल प्रभु तू कह प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूँ तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने मारा मधुर बन गया तेरे कहने से आत्माए भाग गई तेरे कहने बोले गरीबी पूरी चली गई तेरे कहने से हाथों को उठाए प्रभु से कहे प्रभु तेरे कहने से बहुत कुछ हो सकता है प्रभु और आज तेरे मुख का वचन मेरे जीवन में काम करे प्रभु आज तू बोल प्रभु और तेरा वचन 100% फल मेरे जीवन में लाए प्रभु आज तेरे वचन को मैं सुनूं प्रभु चाहे आराधना में हो चाहे गवाही में हो चाहे वचन के समय के दौरान तेरा वचन मेरे जीवन में फल लाए प्रभु क्योंकि तेरा बोला हुआ एक भी वचन काम किए बगैर वापिस नहीं लौटता प्रभु का वचन काम किए बगैर वापिस नहीं लौटता प्रभु से कहे प्रभु तू बोल आज तेरे कहने से बहुत कुछ हो सकता है तू आज तेरा वचन बेच हाथों को उठाए और प्रभु से कहे प्रभु मैं तेरे वचन को सुनने को तैयार हूँ तू बोला तू बोल प्रभु तू कह प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूँ तू बोल प्रभु तू कह प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूँ तू बोल प्रभु तू कह प्रभु तू बोल प्रभु तू कह प्रभु मैं तेरे लिए
हाथों को उठाए और प्रभु का धन्यवाद करे और कहे प्रभु तेरे कहने से बहुत कुछ हो सकता है और वो तेरे ही मुख का वचन आज मेरे हाथों में है प्रभु। आज मैं जब उसे सुनूंगा प्रभु मेरे जीवन में भी बहुत कुछ होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करते हो प्यारो? हालेलुया। प्यारो जब प्रभु यीशु जा रहे थे और एक आराधनालय का सरदार उसके पास आता है और वो प्रभु यीशु से विनती करता है, उसकी लड़की मर गई थी और उसके लिए वो प्रभु के पास आया था। और जब प्रभु यीशु पहुंचने ही वाले थे, उसकी लड़की मर गई है वो न्यूज उसके पास पहुंच चुके थे, और तब कुछ लोग उससे कहते तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है, अब क्यों दुआ करता है, अब क्यों उपवास करता है, अब बाजी बिगड़ गई है, जीवन बिगड़ गया है, जो जॉब के लिए आशा रखी थी नहीं मिली, बिजनेस में फेल हो चुका है, बच्चों के लिए ख्वाब देखे थे लेकिन कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ, रिजल्ट तेरा जैसा चाहिए था वैसा नहीं है, बहुत कुछ शैतान कह सकता है, अब गुरु को क्यों कहता है, अब क्यों दुआ करता है। लेकिन वहां प्रभु कहते हैं मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। वही प्रभु आपसे कहना चाहते हैं मत डर, जो भी तेरे आगे दिख रहा है, जो लोग तुझसे कह रहे हैं उसे सुनकर देखकर मत डर, केवल विश्वास कर। हाथों को उठाए और कहे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, लोग भले कुछ भी कह रहे हो, शैतान भले कुछ भी कह रहा हो, परिस्थिति भले कुछ भी दिख रही हो, लेकिन तू आज आश्चर्य कर्म कर सकता है, तू आज मेरे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है, मैं विश्वास करता हूं यीशु। हालेलुया। जब बेटी के पास प्रभु पहुंचे सब रोते थे चिल्लाते थे, प्रभु ने वहां पर जाकर कहा कि लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है, दूसरों की दृष्टि से लड़की मर गई थी, यीशु की दृष्टि से वो सो रही थी। और जब ये कहा गया वहां लिखा है लोग उसकी हंसी करने लगे। आप यीशु की नजरों से देखोगे शायद लोग हंस सकते हैं, ओ ये पागल है, अभी भी आशा नहीं छोड़ी, अभी भी बोल रहा है सब ठीक हो जाएगा। लोगों को जब यीशु ने कहा ये सो रही है लोग हंसने लगे, लेकिन उस यीशु ने सबको बाहर निकाल दिया। हालेलुया हालेलुया। और यही जो हंस रहे थे वही लोगों के लिए जब यीशु ने वो मरी हुई लड़की को जिला दिया, वहां लिखा है इस पर लोग बहुत चकित हो गए। हालेलुया हालेलुया। जो हंस रहे थे थोड़ी मिनट पहले वो चकित हो गए, क्योंकि आश्चर्य कर्म करने वाला खुदा वहां पर था। हालेलुया हालेलुया। यीशु की दृष्टि में कुछ बिगड़ा नहीं था, यीशु की दृष्टि में बाजी हाथ से निकल नहीं गई थी, लोगों की दृष्टि में निकल गई थी, लोग हंस रहे थे उसके कहने पर, वही लोग आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्य काम करने वाला खुदा वहां पर था। जो लोग शायद आपके ऊपर हंसते हो वो बहुत यीशु यीशु करती थी ना देख, वही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि आपका खुदा आश्चर्य कर्म करने वाला खुदा है। हाथों को उठाए और कहे तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे कार्य आश्चर्य। हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं तू लोगों को चकित कर सकता है अद्भुत काम करके, आश्चर्य है यीशु तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु। अगर विश्वास करते हो तो ताली बजाकर उसको महिमा दोगे। हालेलुया
एक और गाना प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाए, पापों की क्षमा है तेरे नाम में, मिले दिल को सुकून भी तेरे नाम में, आसमान में या जमीन में और कोई भी नाम नहीं है। हालेलुया। हजारों सालों तक उसका नाम महान था और रहेगा। हालेलुया। ना कोई उसका मुकाबला कर पाया है, ना कोई उसके कामों का मुकाबला कर पाएगा। कोई यूं ही महान नहीं हो जाता प्यारो, कोई कामों से महान बनता है। और हमारे परमेश्वर के काम इतने ज्यादा है, हजारों सालों से ना कोई उसकी टक्कर ले पाया, मुकाबला कर पाया है, ना ही हजारों सालों तक कोई उसका मुकाबला कर पाएगा। आमीन। आए प्रभु को महिमा देते हुए गाना गाए। बजाकर प्रभु को महिमा दे। हर जाति झुकेगी तेरे सामने, हर घुटना टिकेगा, हर घुटना टिकेगा तेरे सामने, हर जाति झुकेगी तेरे सामने, मिलकर गाए हर घुटना टिकेगा तेरे नाम। ऊंची आवाज में गाए, आसमानों में या जमीन में कोई और नाम नहीं, आसमानों में या जमीन में चाहे तेरा।
जैसा कोई नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। आसमानों से या जमीन पर और ऊंची आवाज में सब मिलके, आसमानों में या जमीन में उठाए और ऊंची आवाज में कहे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊपर है, तेरे ऊपर और कोई नहीं है, सब कुछ तेरे पांव के तले है प्रभु, सब कुछ तेरे पांव के तले है, चाहे कुछ भी समस्या क्यों ना हो प्यारो, सब कुछ यीशु के पांव के तले है। कुछ भी आपके सामने जब आकर खड़ा रहता है, उसे आपसे नहीं लड़ना होता है प्यारो, उसे आपके खुदा से लड़ना होता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु उनके साथ साथ आगे चलता था और उनके बदले प्रभु युद्ध लड़ता था। परमेश्वर के लोग तो सिर्फ खड़े रहते थे, लेकिन उनके आगे चलने वाला खुदा उनके लिए युद्ध लड़ता था। जैसे मिस्रियों की सेना परमेश्वर के लोगों के करीब आ जाती है, पहले जो अग्निस्तंभ और मेघस्तंभ के रूप में प्रभु की उपस्थिति थी, वो प्रभु के लोगों के आगे थी, लेकिन जैसे ही पीछे से शत्रु आता हुआ देखता है, दिखाता है वो परमेश्वर की उपस्थिति, वो अग्निस्तंभ मेघस्तंभ परमेश्वर के लोगों के आगे से पीछे की ओर चला जाता है। और वहां लिखा है वो मिस्र की सेना प्रभु के लोगों के करीब ना आ पाई, क्योंकि उनके और प्रभु के लोगों के बीच प्रभु खुद खड़ा था अग्नि के खंभे के रूप में। हालेलुया हालेलुया, वो परमेश्वर आपके साथ है। आपका हर शत्रु घुटना टेकेगा, आपका हर शत्रु उसकी जो भी इच्छा है आशा है उसके ऊपर पानी फेरता हुआ दिखेगा, क्योंकि यीशु आपके और आपके शत्रु के बीच में खड़ा रहने वाला खुदा है। वो आपके शत्रु को आपको छूने तो नहीं देगा, लेकिन शत्रु के देखते हुए आपके लिए मेज तैयार करेगा, शत्रु को जलाने और परेशान करने के लिए आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हर घुटना टिकता है, हर शत्रु झुकता है, क्योंकि वो हमारा खुदा है जो सबसे ऊपर है। हालेलुया हालेलुया, मिलकर गाए, यीशु यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। आमीन। बदला न बदलेगा, ऊंचा है तेरा।
ऊंची आवाज में गाए, ऊंचा है, ऊंचा है यीशु का नाम, ऊंचा है यीशु का नाम। एक आखिरी गाना प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाएं। तेरे नाम से मिलती रिहाई, वो परमेश्वर है प्यारो जो मैं छुटकारा देता है, मुक्ति दिलाए पापों से, इस संसार में पापों को माफ करने और धोने का अधिकार केवल यीशु को है, क्योंकि उन्होंने पापों की माफी के लिए कीमत चुकाई है। तेरी सामर्थ से खड़ा हूं प्रभु मैं, अभी जिंदा बस तेरे प्यार से, हम जी रहे हैं उसकी रहम के ऊपर, उसकी दया के ऊपर, अंधों को रोशनी दिया, तेरी महिमा से मुझको भर दिया, बीमारों को चंगा किया, वो ही हमारी ताकत और सहारा बना। और आगे जो कोरस है वो कहता है, ना हारूंगा, मेरे पीछे बोले, ना हारूंगा, मैं जीऊंगा, लंबा जीऊंगा, हेल्दी जीऊंगा, आमीन। तेरी छाया में रहूंगा, हर मुश्किल में जीतूंगा, क्योंकि मेरे साथ कौन है? सिर्फ संडे को यहां लिखा है, जो तू है सदा, आमीन, वो हमारे साथ है सदा के लिए। उससे महिमा देते हुए गाए, हमारे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है, लेकिन आए प्रभु का वचन कहता है नए गानों के द्वारा प्रभु को महिमा दो, आए नया गीत गाकर प्रभु की आराधना करें। Oh,
रूप में बना है प्यारो, प्यारो आप उसकी उत्पत्ति हो और उसकी आत्मा आप में रहती है प्यारो। प्रभु ने आपको इतना प्यार किया कि अपने प्राणों का मोल देकर आपको खरीदा है, अपने प्राणों की कीमत चुकाई आपके लिए प्यारो, और आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है। आए उसके सच्चे प्रेम के लिए उससे धन्यवाद करें, कहे प्रभु मुझे प्राण देकर तूने खरीदा है, मेरे लिए प्राण की कीमत चुकाई। मैं और आप जैसे भी है, आपकी कीमत बहुत बड़ी आंकी गई प्यारो। आप किसी को भी आपका अवमूल्यन करने न दे, आप मूल्यवान हो यीशु की दृष्टि में, आप मूल्यवान हो। शैतान कान में कहे तो कुछ भी नहीं, आप उससे कहे मैं मूल्यवान हो क्योंकि यीशु ने अपने प्राण से मुझे खरीदा, प्राण की कीमत मेरे लिए चुकाई है। हालेलुया हालेलुया। आइए मिलकर गाएं। मुझको बनाया अपने ही रूप में, अपनी ही आत्मा से बड़ा तूने प्राण दे कर मुझे बचाया, अपना कर बेटा बना लिया।
सच तू है सदा, और इसलिए मैं न हारूंगा, मैं जीऊंगा तेरी छाया में रहूंगा, हर मुश्किल मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा जो तू है सदा। जो परम प्रधान के छाए में रहता है वो सबसे सुरक्षित है प्यारों, वो सबसे सुरक्षित है, वो कभी आत्महत्या के विषय में नहीं सोचता, वो कभी नहीं सोचता मैं जीवन का अंत ला दूं, क्योंकि उसे पता है वो हारने वाला नहीं है। उसे पता है रोमियो 8:28 के अनुसार आखिर में सब कुछ उसके लिए फायदेमंद ही साबित होने वाला है। एलिया ने एक समय आया, प्रभु से कहा, प्रभु अब तू मुझे ले ले, मुझे नहीं जीना, अब जीने लायक कुछ नहीं रहा, मेरे पीछे जबेल पड़ी है, वो मुझे मार डाले कि प्रभु मैं भाग कर आया हूं मेरा जीवन बचा कर, अब कुछ नहीं बचा प्रभु, कुछ नहीं बचा, अब बेहतर यही होगा प्रभु तू मेरा प्राण ले ले। इल्या की नजरों में कुछ नहीं बचा था, लेकिन प्रभु ने बहुत कुछ बचा कर रखा था उसके द्वारा करने के लिए। आपकी जीवन में शायद वो पड़ाव आ सकते हैं, आपको लगे मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, अब आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, आप अपनी दृष्टि से मत देखिए, यीशु ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा बचा कर रखा है। जब वो निराश होकर प्रभु से मौत मांग रहा था, प्रभु ने उससे कहा, एलिया तू क्यों रो रहा है, मैंने अभी बहुत कुछ बचा कर रखा है, मैंने कई मेरे दासों को बचाया है जिसके घुटने वो रानी के आगे और उसकी मूर्तों के आगे नहीं झुके, मैंने तेरे लिए अभी और भी अच्छी सेवकाई बचा कर रखी है। प्रभु ने उससे उनका दूध भेजकर नया बल दिया, ऐसी जगह में जहां खाने पीने को कुछ नहीं था, प्रभु ने दूध भेजकर उसे खिलाया पिलाया और इतनी ताकत उसमें आ गई जो मौत मांग रहा था, वो 40 दिन और रात चलकर होरेब पर्वत के ऊपर पहुंच गया, चोटी के ऊपर पहुंच गया। यीशु आपको चोटी के ऊपर ले जा सकते प्यारो, जहां आपको लगे मेरा बल कम हो गया है, अब मुझे मैं जीने की ताकत नहीं रही, अब मुझे मुझ में आगे बढ़ने की ताकत नहीं रही, मैं हार चुका हूं, आगे कुछ नहीं दिख रहा, यीशु आपको कह रहा है प्यारो आपके लिए यीशु ने बहुत कुछ बचा कर रखा है, यीशु ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा बचा कर रखा है, यीशु आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो आपको बल देगा आगे बढ़ने के लिए। उसने एलिया को बल दिया, जो पर्वत के ऊपर आप नहीं चढ़ सकते, आपके पैरों को वो हिरण के समान बनाएगा, ताकि वो पर्वतों की चोटी आप सर कर पाओ, वो परेशानियों के ऊपर विजय पा सको। हालेलुया। लेकिन आज आप प्रभु से कहे, प्रभु मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कभी ये नहीं सोचूंगा मुझे मर जाना है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जीवन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसके लिए यीशु ने कीमत चुकाई है, उसको इतनी आसानी में मैं गवा नहीं सकता, ये जीवन अब मेरा नहीं है, मैं कैसे कह सकूं, अब मुझे नहीं जीना, मैं नहीं जीना चाहता। आप कहे प्रभु मैं जीऊंगा, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरी ताकत है, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूं जब प्रभु मेरे साथ है, मैं हर मुश्किल के ऊपर विजय पाऊंगा जब यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। विश्वास से कोरस का भाग गाए, अपने विश्वास को जाहिर करे, कहिए प्रभु से मैं हारूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, आशीषित जीवन जीऊंगा, विजय जीवन जीऊंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं जीऊंगा तेरी छाया में, तेरी छाया में रहूंगा, हर मुश्किल मैं
सदा एक और बार हारूंगा अपने हाथों को उठाए और विश्वास से गाए मैं जीने वाला हूँ क्योंकि यीशु मुझे दिलाएगा उसकी छाया में मैं सुरक्षित रहूंगा प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं आप जिंदा हो और इसलिए हम कल का सामना कर सकते हैं प्रभु आप जिंदा हो इसलिए हम जी सकते हैं प्रभु आप जब जिंदा हो जिसने समुद्र और आसमान को बनाया वो इतनी तो ताकत जरूर रखता है हमारे जीवनों को भी संभाल पाए और हमारे जीवनों को सुंदर बना पाए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जो हमारी सहायता करता है उसकी सहायता से हम हर एक बात में विशेष जय पा सकते हैं हर मुश्किल में विशेष जय पा सकते हैं हम आदर मान सम्मान सद्भुत परमेश्वर को देते हैं जो हमारे जीवनों में आश्चर्य काम करने की ताकत रखता है हमारी आराधना और धन्यवाद की बेटे यीशु मसीह के नाम में प्यारे पिता आप कबूल करें प्रभु यीशु के नाम में आमीन प्लीज बैठ जाएगा